नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मताधिकार का प्रयोग करें मतदाता, शत प्रतिशत मतदान हो, मतदान के प्रति जागरूकता हो, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वह मतदान करें और चुने अपनी सरकार। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास करता है, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। जहाँ कहीं प्रचार रथ चलते हैं तो वहीं नुक्कड़ नाटक होते हैं, कहीं रैलियां होती हैं तो कहीं प्रतियोगिताएं होती हैं। उद्देश्य सिर्फ एक, मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदाता जागरूक हो। बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में लगातार विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। दमोह नगर में एक कलश यात्रा निकाली गई, उद्देश्य वही, मतदान प्रतिशत हो, मतदाता जागरूक हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, शत प्रतिशत मतदान हो, इसके लिए लगातार कार्यवाही जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने एक कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, विविध विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति इस अवसर पर थी। यह यात्रा निकली, महिलाएं कलश रखे हुई थी सिर पर और साथ में नारे भी लगाए जा रहे थे, बैनर भी थे, पोस्टर भी थे, साथ ही बुंदेलखंडी गीतों की धुन पर, संगीत की धुन पर, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर और साथ में पारंपरिक परिधान में कलाकार दे रहे थे संदेश, जागो मतदाता, करो अपने मताधिकार का प्रयोग और चुनो अपनी सरकार। शत प्रतिशत मतदान के लिए हुआ यह आयोजन। अरे घर सब को बताने जाई बात लखन, घर घर सब को बताने जाई बात लखन। मित्रों, इस समय हमने दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर और साथ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा से चर्चा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 निकट आता जा रहा है और हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन सभी अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलें और वोट करें, मतदान करें। ये उद्देश्य निर्वाचन आयोग का भी है और ये उद्देश्य जिला प्रशासन का भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत का नक्शा बनाया गया था और उसका ड्रोन फोटोग्राफी वगैरह की गई थी और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने आज ये कलश यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, यहाँ की आदरणीय महिलाएं हैं सब, और वो सभी से अपील कर रही हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में वोट डालें। तो भारत बेसिकली संस्कृति, परंपरा, कलाओं का एक समुच्चय है और यहाँ इन माध्यमों से
इन सांस्कृतिक और कलात्मक माध्यमों से यदि हम कोई हम संवाद करते हैं लोगों से तो ये सीधे मैसेज लोगों तक पहुंचता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीम भी साथ में चल रही है जो कि बुंदेली भाषा में गीत गा रही है निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने का। तो इसी दिशा में हमने प्रयास किया है जिसमें एक बड़ी भूमिका हमारे सीओ जिला पंचायत की, क्योंकि इन्होंने ये स्वीप प्लान के प्रभारी हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये इन्होंने पूरा किया है। इनको मैं बधाई देता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि 26 अप्रैल को लखनऊ में लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतदान है, तो इसी के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि वो अपने मत का महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर अपने मतदान का प्रयोग करें। हम लोगों ने एक कलश यात्रा निकाली है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये महिलाएँ ये संदेश दे रही हैं दमोह वासियों को कि आप लोग 26 अप्रैल को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें। भारत निर्वाचन आयोग लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रहा है। स्वीप प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, लगातार प्रयास जारी है। चाहे वो निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से हो, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे लघु फिल्म के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो और चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो, एक ही लक्ष्य 100% मतदान, यही है सही और तब बनती है आपकी चुनी हुई सरकार। इसलिए आप मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।